बिगर, राइट? एंड एज फार एज हम सभी को पता है, आज ऑटोमेटिक राइटिंग का वेबिनार है. सो बिफोर आई मूव ऑन टू वॉट एवर वी आर गोइंग टू कवर अप, वॉट एवर थिंग्स वी आर गोइंग टू एक्सपीरियंस इन दिस, उससे पहले वील जस्ट हैव अ शॉर्ट प्रेयर. सबसे पहले गुरु की वंदना करेंगे और फिर गायत्री मंत्र. लेट्स इनवोक ऑल द पॉजिटिव एनर्जी, टेक देयर ब्लेसिंग सो दैट वी कैन स्टार्ट द सेशन, राइट? सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज ज्वाइन योर हैंड्स. गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. ओके. So we are going to begin the session, right? अभी जब हम स्टार्ट करेंगे इसको, मैं देखिए वर्कशॉप या कोर्स का नाम नहीं दूंगी, इसे हम एक जर्नी, एक यात्रा का नाम देते हैं, क्योंकि इस जर्नी में हम इवॉल्व होते हैं, हम एक साथ होते हैं और हम बहुत कुछ नया सीखते हैं. हर जर्नी के एक्सपीरियंसेस बहुत डिफरेंट होते हैं, बिकॉज देर आर डिफरेंट सोल्स इन्वॉल्व. सोल्स एज इन हम सबकी एनर्जीज के बारे में मैं बात कर रही हूँ. तो जब सबकी एनर्जीज एक साथ कनेक्ट होती हैं तो एक्सपीरियंसेस अलग हो ही जाते हैं, और हर बार एक्सपीरियंसेस पिछली बार से थोड़े डिफरेंट रहते हैं, राइट? सो ऑटोमेटिक राइटिंग में, इस जर्नी में, ये जर्नी 1 महीने की है, इस 1 महीने की जर्नी में हम ऐसा क्या करने वाले हैं, लेट्स फर्स्ट हैव अ क्लोज लुक एट दैट, कि हम इसमें क्या 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 सीखेंगे, राइट? सो आप लोगों में से काफी लोग एकेडमी के बारे में जानते हैं. दिस इज गुरुजी अन एकेडमी, और आप देख सकते हैं दिस हैज बीन द इनिशिएटिव वॉज स्टार्टेड बाय राजीव सर एंड पूनम मैम, एंड वी आर रियली थैंकफुल, क्योंकि हम सब इस प्लेटफॉर्म के जरिए कनेक्टेड हैं. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑटोमेटिक राइटिंग. तो ऑटोमेटिक राइटिंग में हम क्या कवर अप करेंगे, इसमें कंटेंट्स जो जो आप कवर होंगे इस जर्नी में, आप क्या क्या सीखने वाले हैं. पहली चीज, कोई भी काम हम शुरू करते हैं या कोई भी हम नई चीज को देखते हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं, कैसे वो काम करती है. देन देर आर सो मेनी मिथ्स इवन रिलेटेड टू ऑटोमेटिक राइटिंग. देर आर सो मेनी मिथ्स आई कम अक्रॉस एवरी टाइम. हर बार अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं और बहुत सारे लोगों ने इसको एक अलग धारणा से देखना शुरू कर दिया. फिर कौन से क्वेश्चंस या इश्यूज हैं जिनके लिए ऑटोमेटिक राइटिंग आपकी डे टू डे लाइफ में हेल्पफुल रह सकती है, और ऑकल्ट साइंसेस से ये किस तरीके से कनेक्टेड है, आप किन किन लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं वाया ऑटोमेटिक राइटिंग. देन अंडरस्टैंडिंग साइंस, कि आप किसी गलत एनर्जी से कनेक्ट हो गए, कि आप उसे कैसे समझेंगे एंड हाउ टू जस्ट ओवरकम दैट फेज.
अपनी सेक्रेट स्पेस क्रिएट करना। तो ये जो स्टेप है सेक्रेट स्पेस क्रिएट करना, दिस इज द स्टेप दैट वी स्टार्ट मेडिटेटिंग विथ। आपके पहले एक दो सेशंस थ्योरी होंगे, उसके बाद क्या होगा, मेडिटेशन स्टार्ट हो जाता है जहां हम अपनी सेक्रेट स्पेस क्रिएट करते हैं। तो हम वहां पे एक्चुअली वो आइडेंटिफाई करते हैं कि हम कौन सी डिवाइन सोर्स से जुड़े हैं, क्योंकि देखिए हमारी फिजिकल इनकार्नेशन जो इस जीवन में है हमें बस उतना ही याद है, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस या हमारी जो सोल जर्नी है वो और भी लाइफ्स जी चुकी है। तो जब आप मेडिटेशन के थ्रू अपनी सेक्रेट स्पेस तक पहुंचते हैं तो आपको कई ऐसी चीजें रियलाइज होती हैं एंड दे हैव बीन एक्सपीरियंसेस कि आप किसी पुरानी जगह पे पहुंच जाते हैं या आप किसी ऐसे देवी या देवता के दर्शन करते हैं जिनको आपने नहीं देखा या जिनको आपने अभी तक नहीं पूजना शुरू किया। देन हायर एनर्जीज से आप कैसे कनेक्ट करेंगे और अपने सवालों के जवाब आप कैसे लेंगे? चक्रा क्लेंजिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप कि आपको सक्सेस मिले ऑटोमेटिक राइटिंग में। इसके लिए चक्रा क्लेंजिंग के बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिन पे हम इस जर्नी में काम करेंगे। सबसे पहला रहेगा एक मेडिटेटिव टेक्निक, फिर एक और टेक्निक होती है जो हम पेंडुलम या किसी भी घर पे रखी हुई वस्तु के थ्रू करते हैं, जैसे रिंग हो गई या कोई क्रिस्टल का पीस हो गया जिसमें एक हुक है, तो हम उसको पेंडुलम बना के और उससे अपने चक्रा बैलेंसिंग के बारे में बात करते हैं। फिर डिटेल स्टेप्स क्या हैं ऑटोमेटिक राइटिंग के, और इसके प्रैक्टिकल सेशंस होते हैं जहां वो मेडिटेशन का जो टाइम है वो थोड़ा स्ट्रेच हो जाता है और आप सभी उस जोन में जाके ट्रांस के स्टेट में जाके आप खुद अपने सरेंडर करके आप खुद लिख रहे होते हैं और आपको खुद नहीं पता होता आप क्या लिख रहे हैं। फिर आप उन सिंबल्स को, उन राइटिंग को, उन लैंग्वेजेस को कैसे डीकोड करेंगे और धीरे धीरे करके इसको कैसे बढ़ाएंगे। सो दिस वुड बी अ स्टेप वाइज प्रोसेस। कहने को हम कह सकते हैं कि 1 महीने की जर्नी है वेर इन वी टेक अराउंड 8 क्लासेस, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स बिकॉज जब हम मेडिटेट करते हैं तो कई लोगों के लिए बहुत ही इजी रहता है कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सेक्रेट स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। हो सकता है कि उनके चक्रास क्लियर हो, या ये भी हो सकता है कि उनको मेडिटेशन की आदत हो तो वो बहुत जल्दी कर लेते हैं, और बाकी कई लोगों को थोड़ा सा समय लगता है। तो उसके लिए हम उनके पेस से लेकर भी चलते हैं सो दैट एवरीबडी इज ऑन द सेम पेज, राइट? सो दीज वर द कोर्स कंटेंट दैट वी आर गोइंग टू कवर। नाउ कमिंग टू के इसको अगर हम स्टेप वाइज देखें तो स्टेप वाइज हम क्या क्या इसमें कवर करने वाले हैं एक बारी मैं आपको वो भी बता देती हूँ। ऑटोमेटिक राइटिंग वैसे तो देखा जाए बहुत ही पुरानी टेक्निक है और आप लोगों में से कई लोगों ने शायद सुना भी होगा, खुर्शीद भावनगरी जी जो थी उनके एक्चुअली शी लॉस्ट बोथ हर सन्स इन एन एक्सीडेंट, बहुत ही यंग एज में उन्होंने उन्हें लूज कर दिया था। तो उनको एक उनका फेथ बहुत था भगवान पे, तो उनको हमेशा ये लगता था कि भगवान ने उनके साथ ऐसा क्यों किया। तो उनको इस चीज को लेके बहुत सारे डाउट्स थे अपने मन में और वो किसी ना किसी तरह अपने बच्चों से कनेक्ट करना चाहती थी। सो दैट इज व्हेन उनके पास कोई उनके नेबर आई और उन्होंने बताया कि कोई मीडियम है जो आपको कुछ बताना चाहती हैं अपने आपके बच्चों के बारे में। तो उन मीडियम ने बताया कि आपके बच्चे आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं पर उसके लिए आपको अपनी वाइब्रेशंस थोड़ी सी रेस करनी पड़ेगी। तो जब उन्होंने मेडिटेट करके अपना वो क्लेंजिंग वगैरह करके वाइब्रेशंस रेस की, देन शी वॉज एबल टू कनेक्ट टू हर चिल्ड्रन वाया ऑटोमेटिक राइटिंग।
और ये चीज उन्होंने स्टार्ट तो इंडिया में की थी और धीरे धीरे करके इसको उन्होंने फैलाया भी। लास्ट इट वॉज इन कैनेडा वेयर शी वॉज सीन, और अभी भी वही जो उनकी बुक्स हैं जो उन्होंने लिखी थी, बिकॉज उन्होंने बुक लिखी थी वाया ऑटोमेटिक राइटिंग, दैट बुक इज इन द नेम ऑफ द स्पिरिट, द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड बाय खुर्शीद भावनगरी। तो वो बुक अभी भी मार्केट में मिलती है। तो उसमें उन्होंने खुद बताया था कि कैसे शी यूज टू कनेक्ट एंड हाउ दे यूज टू टेल हर वॉट टू राइट। तो इनिशियली अगर आप देखेंगे तो लेटर्स जो है वो वैसे नहीं आते जैसे हम यूजुअली लिखते हैं। जब आप अपनी ही राइटिंग को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाउ कुड दिस बी, माई राइटिंग इज नॉट दिस वे। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद आपको समझ में आने लगता है कि ये आपकी राइटिंग नहीं है, ये वो एनर्जी कन्वे करना चाह रही है जो आपसे कनेक्ट कर रही है। अब कन्वे करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। कई लोगों को डायरेक्ट दे आर मेड टू राइट, कई लोगों को क्या होता है उन्हें कानों में कुछ आवाज सुनाई देती है और जो सुनाई देता है वो लिखते जाते हैं। तो जिनका ये पार्ट एक्टिव होता है हम उन्हें बोलते हैं क्लेयर ऑडियंस, क्योंकि हम सबके क्लेयर्स होते हैं और बस ये है कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो जिन लोगों को चीजें सुनाई देती हैं और वो उसे पेन डाउन कर पाते, दैट इज क्लेयर ऑडियंट है वो। अगर किसी को विजन दिखाई दे रहा है, कुछ विजन्स आ रहे हैं, फ्लैशेस आ रहे हैं, तो हम ऐसे व्यक्ति के लिए कहते हैं कि वो क्लेयर वॉयंट है। वॉयंट होना उसको विजन्स दिख रहे हैं। तो ये बेसिक क्लेयर्स हैं जिनके थ्रू हम देखते हैं। द बुक इज लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, यस इट इज रिटन बाय खुर्शीद भावनगरी जी, राइट। जैसे हम क्लेयर्स अपने आइडेंटिफाई करते हैं तो जो क्लेयर हमारा एक्टिव होता है वो और ही ज्यादा ब्रॉड होता जाता है, एंड देन वी आर एबल टू रिसीव मैसेजेस एंड देन वी आर एबल टू इंटरप्रेट मैसेजेस एज वेल, राइट। तो अब इसका क्या रिलेशन है ऑटोमेटिक राइटिंग से? कंटेंट आपको मैं इंट्रोड्यूस करा चुकी हूँ। लेट्स गेट टू द इंट्रोडक्शन के ऑटोमेटिक राइटिंग है क्या। ऑटोमेटिक राइटिंग कुछ और नहीं है, एक तरीके की कला है जिसमें आप दूसरे इंटेलिजेंसेस के थ्रू आप राइटिंग एड्स को यूज करके एक ऑल्टर्ड या मेडिटेटिव स्टेट में कुछ लिखते हैं। अब इसको मैंने बोला कि आर्ट है और दूसरे इंटेलिजेंसेस इसलिए बोला क्योंकि देखिए जो हमारे फिजिकल इंटेलिजेंसेस हैं, जो हमारी इंद्रियां हैं, उन्हें हम बंद कर लेते हैं, अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं, फोकस अपनी ब्रीदिंग पे ले आते हैं और हम एक मेडिटेटिव स्टेट में पहुंच जाते हैं। अब जब हम अपनी जो हमारा लॉजिकल ब्रेन है उससे रिलेटेड इंद्रियों को शांत करते हैं या कंट्रोल करके अपने ऑल्टर या सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करते हैं, तो हम उस स्टेट में होते हैं जहां हम अपने हायर सेल्फ से मिल पाते हैं, जहां हम दूसरे इंटेलिजेंस को यूज कर पाते हैं। जो लोग इस आर्ट को करना चाहते हैं वो क्या करते हैं, एक राइटिंग टूल, पेन हो या पेंसिल हो, कुछ भी हो वो, और एक साफ कोरा पेपर आप अपने पास रखेंगे या कोई नोटबुक रखेंगे और फिर आप खुद को सरेंडर करते हैं, आप अलाउ करते हैं कि आप चैनल बन जाएं और फिर आपके कम्युनिकेशंस दूसरे एनर्जी से आने लगते हैं। इस राइटिंग को ऑटोमेटिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ आपका लॉजिकल ब्रेन काम नहीं करता। उसका एक बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है, अभी अगर मैं आपको बोलूं
कि आप अपनी आंख बंद करके अपनी फिंगर से टेबल सरफेस या जहां भी आप बैठे हैं उस सरफेस पे आप कुछ भी लिखिए जो आपके मन में आ रहा है, एनी कलर एनीथिंग। तो आप अपनी आंख बंद करके भी जैसे फिंगर्स मूव करेंगे ना, आपका ब्रेन उसे इंटरप्रेट कर लेगा, बिकॉज यू आर यूजिंग योर मोटर स्किल्स। और हमारे रिसेप्टर्स ब्रेन को कम्युनिकेट कर देते हैं हम क्या कर रहे हैं। अभी हम अगर इसको ऑटोमेटिक राइटिंग से कंपेयर करें तो ऑटोमेटिक राइटिंग में क्या होता है, मोर देन हाफ ऑफ द टाइम आपको नहीं पता कि आपका पेन चला भी या नहीं। आपको कई बारी नहीं पता होता, आपको लगता है कि आपका हाथ तो हिला ही नहीं, और जब आप आंख खोल के देखते हो पेपर पे तो देर आर सर्टन पैटर्न्स दैट आर ड्रॉन, या कुछ लिख दिया या कोई ड्राइंग सी आ गई। तो ये कैसे हुआ? दिस हैपेंड इन एन ऑल्टर्ड स्टेट जहां आपका लॉजिकल ब्रेन कनेक्टेड नहीं था। अगर वो कनेक्टेड होता तो आपको पता चल जाता कि आपने क्या लिखा है, पहले से ही पता रहता वो, है ना। तो इसीलिए इसे हम बोलते हैं ऑटोमेटिक राइटिंग। आप एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी ऊर्जा से कनेक्ट कर जाते हैं जिसके थ्रू आप, या जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, और राइटिंग वो करते हैं। इन द सेंस वो एनर्जी आपको गाइड करती है, या कई बारी आपका हाथ पकड़ के वही लिखते हैं। तो उस स्टेट में यू आर नॉट अवेयर, आपको नहीं पता कि आपने ए बनाया, बी बनाया, या आपने चंद्र बिंदु लगाया, या आपने कहाँ कौन सी मात्रा लगाई, आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन जब तक वो ऑल्टर्ड स्टेट खत्म होगी, उसके बाद जब आप रियलाइज करोगे तो आपको दिखता है कि अच्छा पेपर पे ये ऐसे बन गया। ओके, सो दिस इज एक्चुअली ऑटोमेटिक राइटिंग। नाउ अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें, क्योंकि जो भी करने जाएं तो वो कहाँ से ओरिजिनेट किया, क्या है उसकी हिस्ट्री, थोड़ा सा जानना बनता है। तो एक, जैसे जितने भी डिविनेटरी ओरेकल्स होते हैं, ऑटोमेटिक राइटिंग इज रिलेटिवली यंग। जैसे जितने भी डिवाइन सोर्सेस थे जो कनेक्ट करते थे, जैसे कौड़ियों से रीडिंग हो रही है, टैरो से हो रही है, रून से हो रही है, तो ये थोड़ा सा नया है, फ्रेश है। ये उतना पुराना नहीं है जितने पुराने टैरो कार्ड्स हैं। और ये फैक्ट है कि ये कॉमन लिटरेसी को भी दर्शाता है, क्योंकि देखिए पहले क्या था, पहले के टाइम पे ना सिंबॉलिक लैंग्वेज वाज एक्टिव। स्वाति जी, इसका डेमो ऐसे नहीं होता है टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज जब हम एक प्लेटफॉर्म पे सभी मिलके एनर्जीज अलाइन करके कनेक्ट करते हैं ऑटोमेटिक राइटिंग के लिए, उसके पहले एक प्रोसेस है दैट ऑल दी एनर्जीज हैव टू बी क्लियर। यस, वन थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस अ शॉर्ट मेडिटेशन वेयर बाय वी आर क्लेंजिंग आवर सेल्फ, दैट इज हम अपने सारे टॉक्सिन्स को रिलीज करेंगे और अपने सारे चक्रास को क्लेंस करेंगे। ये एक छोटा सा मेडिटेशन हम करेंगे अभी, राइट? नाउ जब तक लेट 19th सेंचुरी तक लिटरेसी डेवलप हुई, लोग पढ़ने लग गए, लिखने लग गए, तो ये पूरा फिनोमेना फैल गया, ठीक है। इवन टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस करती गई तो लोग पेपर और पेन इतना ज्यादा हैंडी नहीं रखते, और पहले क्या होता था कि ये सिर्फ लग्जरी लोगों के पास होता था। आज की डेट में आप देखिए तो सब कुछ क्या होता है, टैब और मोबाइल पे होता है। सो द टेक्नोलॉजी हैज रीच टू दैट स्टेज। अब एक स्केची एविडेंस है जो ऑटोमेटिक राइटिंग को सजेस्ट करता है या बताता है कि तभी भी यूज होती थी, वो है 16th सेंचुरी का क्वीन एलिजाबेथ के कोर्ट में। और ऐसा माना जाता है कि एक ऐसे जो काफी
फेमस थे फॉर ऑकल्ट, उन्होंने किया था ये स्केच। लेकिन सबको ऐसा लगता था कि ये सिंबॉलिक लैंग्वेज है, ये उनके विचार हैं जो वो व्यक्त करना चाह रहे हैं, लेकिन किसी ने इतना ध्यान तब नहीं दिया। अभी है क्या कि नाउ पीपल हैव ओवर पार्ट दिस सिंबॉलिक लैंग्वेज। अभी क्या होता है, नाउ दिस राइटिंग कम्स इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स एंड अल्फाबेट्स। अब सिंबल्स भी आते हैं, लेकिन साथ में कुछ रिटन कंटेंट भी आता है, कुछ और भी चीजें आती हैं। सो नाउ दैट इज द रीजन व्हाई इट इज गेनिंग इंटरेस्ट। फिर इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था ऑटोमेटिक राइटिंग, लेकिन धीरे धीरे करके मोमेंटम पकड़ने लगा। एक फ्रेंच मैजिस्ट्रेट थे जो साइकिक इन्वेस्टिगेटर बन गए थे, उनको बुलाया गया था बाय बॉर्डन सिस्टर्स, जो ये मानते थे कि उनकी बेटियों को मैसेजेस मिलते हैं थ्रू द यूज ऑफ ऑटोमेटिक राइटिंग। तो रिवेल ने, जब प्रोफेशनल थे वो और उन्होंने ये रिसर्च की, तो ही वॉज रियली इम्प्रेस। पहले तो उनको लगा कि हाँ, ये राइटिंग्स जो हैं, इनसाइट्स हैं, नॉलेज डेमोन्स्ट्रेट हो रहे हैं। लेकिन दे वर नॉट द ओनली वंस हु प्रोड्यूस्ड दिस ऑटोमेटिक राइटिंग। उस समय और भी कई लोग थे जो इसे प्रैक्टिस कर रहे थे, बट हर कोई ये चीज शेयर नहीं कर पाता था। और ये कई बार ही होता है, देखिए, हम ऑटोमेटिक राइटिंग नहीं, लेकिन हम बहुत कुछ प्रैक्टिस कर जाते हैं, जैसे नींद में या अपने सबकॉन्शियस पार्ट में, सपोज सपने के थ्रू या कैसे भी, हम कुछ ऐसा कम्युनिकेट कर जाते हैं या हील कर जाते हैं किसी को जिनसे हम नहीं मिले होते, और एक्चुअली वो हीलिंग काम कर रही होती है। तो सबने अलग-अलग नाम दिए, बट इट हैज अ वेरी डीप रूटेड कनेक्शन फ्रॉम वॉट यू वर डूइंग इन योर प्रीवियस लाइव्स, क्योंकि तभी ये चीज ट्रिगर होती है, तभी ये चीज सामने आती है। एकदम से आपका इंक्लिनेशन नहीं जाता किसी एक पर्टिक्युलर चीज के लिए, वो तभी जाता है कि अगर आपने पहले भी कुछ इससे रिलेटेड किया हो, तो आपका सबकॉन्शियस उसे आइडेंटिफाई करता है, इसीलिए आप कनेक्ट होते हैं, राइट? ऑटोमेटिक राइटिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जो है, दैट इज क्लेंजिंग ऑफ चक्रास, राइट? हम सबको पता है कि मेजर 7 चक्रास हैं हमारे, जिनकी क्लेंजिंग जरूरी है। और इसके लिए जो नॉर्मल प्रोसीजर है, वैसे बहुत सारे लोग बहुत सारे अलग अलग प्रोसेसेस यूज करते हैं। द नॉर्मल प्रोसीजर दैट वी यूज, और आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग सिंस लॉन्ग, दैट इज आई डू इट बाय इनवोकिंग आर्कएंजल्स। तो कुछ आर्कएंजल्स हैं जिनको इनवोक करते हैं और उनके थ्रू फिर चक्रा क्लेंजिंग करते हैं। जैसे वी इफ यू हैव एवर हर्ड ऑफ आर्कएंजल मेटाट्रॉन, आप लोगों में से किसी ने भी सुना हो तो, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, उनके हाथ में एक क्यूब रहता है, और उस क्यूब के थ्रू वो क्या करते हैं कि आपके सारे चक्रास को ना क्लेंस करते हैं। ऐसा माना जाता है कि उस क्यूब को वो घुमाते हैं और वो आपके सारे चक्रास को क्लेंस करता है। सो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, आई वुड जस्ट जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं आपको आर्कएंजल मेटाट्रॉन की, आई विल जस्ट ट्राई इफ आई कैन शो यू अ पिक्चर, क्योंकि उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आर्कएंजल मेटाट्रॉन कैसे दिखते हैं। क्योंकि जब आप मेडिटेट करेंगे, ऑब्वियसली इट विल बी अ गाइडेड मेडिटेशन, लेकिन जब आप मेडिटेट करेंगे तो आप विजुअलाइज कर पाएंगे उन्हें कि हाँ, वो ऐसे है और ऐसा क्यूब है,
जो आपके सारे चक्रास को क्लेंस करता जा रहा है, राइट? एंड व्हाई डू वी टॉक अबाउट आर्क एंजल्स? देखिए, एंजल्स का कनेक्शन हर माइथोलॉजी से है. अगर हम अपनी माइथोलॉजी से ले, मतलब इट इज ऑलवेज बिलीव्ड कि एंजल्स, वो मैसेजेस जो डिवाइन सोर्सेस देना चाहते थे वो एंजल्स के थ्रू देते थे. और फिर उनके कई सारे ऐसे देवदूत बोलते हैं, कोई फरिश्ते बोलते हैं उन्हें, बट आई हैड अ स्ट्रॉन्ग बिलीव कि कहीं ना कहीं ये हमारे आसपास ही है और हेल्प भी करते हैं. सो आई जस्ट स्टार्ट शेयरिंग. ओके, अगर आप अपनी स्क्रीन पे इस समय देख रहे हैं, तो स्क्रीन पे हमारे सामने वी हैव आर्कएंजल माइकल. व्हाई आई एम नॉट गोइंग इनटू एनी माइथोलॉजिकल आइडियोलॉजी इज कि सबके अलग अलग होते हैं. तो सिंस दीज टर्मिनोलॉजीज वी हैव अडॉप्टेड फ्रॉम द वेस्टर्न कल्चर, तो वील फॉलो द सेम. तो आर्कएंजल माइकल का माना जाता है कि जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं उन्हें ये क्लेंस करते हैं, ये प्योरिफाई करते हैं आपके आसपास की एनर्जी को. और काफी मैस्कुलिन है ये, और उसके अलावा ये प्रोटेक्ट करते हैं. अगर मैं कहूँ प्रोटेक्ट करते हैं, तो इट कैन बी एनीथिंग. आप किसी ट्रिप पे जा रहे हैं, आप बोलेंगे आर्कएंजल माइकल आपको प्रोटेक्ट करें, वो करते हैं. आप अगर पीछे से अपने घर को सुरक्षित देखना चाहते हैं, तो आप बोलते हैं कि आर्कएंजल माइकल, आप पीछे से मेरे घर को सुरक्षित रखिए, उसे प्रोटेक्ट करिए, एंड यू विल फाइंड. आर्कएंजल माइकल को एक्सेस करना बहुत इजी है, क्योंकि वो ये जितने भी एंजल्स हैं ये बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस काम करते हैं. तो ये जब भी आप इन्वोक करेंगे, आपको महसूस हो जाएगा कि आप तक मदद पहुंच गई है किसी ना किसी तरीके से. सो दैट इज व्हाई वी बिलीव इन आर्कएंजल्स एंड वी वर्क विथ आर्कएंजल्स बेसिकली. तो जो अभी हम मेडिटेशन करेंगे, उसमें बेसिकली दो एंजल्स का इन्वोकेशन है. पहला आर्कएंजल माइकल का है, क्योंकि वो हमारे आसपास की पूरी ऊर्जा को क्लियर करेंगे. और दूसरा इन्वोकेशन जो है वो है आर्कएंजल मेटाट्रॉन का, दैट आई विल जस्ट शेयर विथ यू. क्योंकि आर्कएंजल मेटाट्रॉन क्या करेंगे कि वो हमारे चक्रास क्लेंस करने में हमारी हेल्प करेंगे. तो अगर आप ये दो एंजल्स को देख लें और आप इनको फिर करने लग जाएं फॉलो, तो आपके चक्रा क्लेंजिंग के लिए इट विल बी वेरी इजी. राइट, आई विल जस्ट शेयर द स्क्रीन एंड शो यू हाउ आर्कएंजल मेटाट्रॉन लुक्स लाइक. सी, दीज आर द रेफरेंस पिक्चर्स दैट अवेलेबल ऑन नेट. आर्कएंजल मेटाट्रॉन कुछ इस तरीके के हैं. एंजेलिक फिगर्स जितने भी देखेंगे हम, उन सब में एक चीज कॉमन है कि उनके फेदर्स दिखाए गए हैं पीछे. तो एक आइडियोलॉजी बन जाती है कि एंजल्स हैं तो मतलब पंख होंगे, जैसे परियों के होते हैं. तो आजकल ह्यूमन फॉर्म में भी एंजल्स मिलते हैं. एनी पर्सन हु कम्स फॉर योर हेल्प एट द टाइम ऑफ नीड इज एक्चुअली एन एंजल, राइट? और ये जो आप क्यूब देख रहे हैं, ये क्यूब यूज करते हैं आर्कएंजल मेटाट्रॉन टू क्लेंस द एनर्जीज, टू क्लेंस ऑल द चक्रास. तो ये क्यूब स्पिन करता है हमारे सारे चक्रास पे और उसे क्लेंस करता है चक्रास को. तो ये मेडिटेशन में हम इन दोनों आर्कएंजल्स का बेसिकली इन्वोकेशन देखेंगे और इनकी एनर्जीज को महसूस करेंगे. सो बिफोर वी स्टार्ट विद द मेडिटेशन, आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू सिट इन अ कंफर्टेबल पोजिशन. अब आप लोगों को इसीलिए इमेजेस भी दिखा दी कि आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा विजुअलाइज करना, क्योंकि मेडिटेशन ज्यादातर विजुअलाइजेशन पर ही है, राइट? आर्कएंजल माइकल,
Wait a sec. I'll just show you once more. Here you can see Archangel Michael, right? बाकी जो मेडिटेशन है अभी तो आप लोग यू'ल बी कनेक्टेड बिकॉज हम लोग कॉमन एक एनर्जी प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट होंगे. उसके बाद ये जब रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर की जाएगी तो इस गाइडेड मेडिटेशन में यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ आर्कएंजल माइकल एंड मेटाट्रॉन ऑल्सो, राइट? सो नाउ वील स्टार्ट विद द मेडिटेशन. आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप प्लीज बैठ जाएं. कोशिश करें कि आपकी बैक सीधी हो जिससे कि आप एनर्जी रिसीव करने के मोड में रहें. एंड जस्ट रिलैक्स. अपने आप को कोई भी आपने ऐसा फोर्स नहीं करना है, कुछ भी ऐसा नहीं करना है. यू सिंपली हैव टू रिलैक्स और कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ रिलैक्स करेंगे. ओके. So now you'll be hearing the voice from through the meditation, right? Please just follow whatever is being said. Simply relax and find a quiet place for yourself where you won't be disturbed for next 10 minutes. किसी भी ऐसे स्थान पर बैठ जाएं जहां आप फोकस कर सकें, जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे. एकदम मन को शांत कर लें. इफ एनी थॉट्स कम टू योर माइंड, अगर कोई विचार आपके दिमाग में आते हैं तो उनको चैलेंज करें या फिर उन्हें बह जाने दें. जस्ट लेट देम फ्लो और चैलेंज योर थॉट्स. नाउ फोकस ऑन योर ब्रीदिंग. अपना पूरा ध्यान अपनी श्वास पर केंद्रित करें. इनहेल एंड होल्ड फॉर टू काउंट्स एंड एक्सहेल. अंदर की ओर श्वास लें, दो गिनती तक अपनी श्वास को ठहराएं और फिर बाहर को छोड़ दें. जैसे जैसे आप श्वास अंदर लेते हैं सारी सकारात्मक ऊर्जा आप अंदर लेते हैं और जब श्वास छोड़ते हैं तो सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर आती है. एज यू इनहेल ऑल द पॉजिटिव एनर्जी एंड एज यू एक्सहेल ऑल द नेगेटिव एंड टॉक्सिक थॉट्स एंड एनर्जीज फ्रॉम योर बॉडी. Again, inhale and exhale. Inhale and exhale. Now, we will invoke Archangel Michael. अब हम Archangel Michael का आवाहन करेंगे. We call upon Archangel Michael. Archangel Michael, हम आपका आवाहन करते हैं. आप अपनी तलवार से सारी नकारात्मक ऊर्जा और शक्तियों का नाश करें. आर्कएंजल माइकल, वी कॉल अपॉन यू. प्लीज स्ले डाउन ऑल द नेगेटिव एंड लोअर एनर्जीज फ्रॉम आर साइड, आर ऑरा एंड द स्पेस दैट इज अराउंड अस.
आर्कएंजल माइकल, आप हमारी सहायता करें कि हम आर्कएंजल मेटाट्रॉन को बुलाकर अपने सारे चक्रों को क्लियर कर पाएं। आर्कएंजल माइकल, प्लीज हेल्प अस एज वी इन्वोक आर्कएंजल मेटाट्रॉन टू क्लियर ऑल द चक्रास ऑफ आर बॉडी। नाउ वी कॉल अपॉन आर्कएंजल मेटाट्रॉन। अब हम आर्कएंजल मेटाट्रॉन का आवाहन करते हैं। सिंपली विजुअलाइज द क्यूब दैट इज इन हैंड्स ऑफ आर्कएंजल मेटाट्रॉन। उस क्यूब पर अपनी नज़र ले जाएं जो आर्कएंजल मेटाट्रॉन के हाथों में है। नाउ विजुअलाइज दिस क्यूब ओवर योर क्राउन चक्रा। अब इस क्यूब को ऐसे देखें कि यह आपके सहसारा चक्र के ऊपर है। आर्कएंजल मेटाट्रॉन, आप हमारे सारे चक्रों को क्लियर करें अपने इस क्यूब की सहायता से। आर्कएंजल मेटाट्रॉन, प्लीज़ स्पिन दिस क्यूब एंड क्लियर ऑल आर चक्रास। नाउ विजुअलाइज द क्यूब इन योर क्राउन चक्रा स्पिनिंग एट अ ग्रेट स्पीड, क्लियरिंग ऑल द लोअर एनर्जीज। अब ये देखिए कि ये क्यूब आपके सहसारा चक्र में घूम रहा है और घूमते घूमते सारी ही नेगेटिव एनर्जीज को ये वहाँ से हटा रहा है। अब धीरे धीरे ये आपके अजना चक्र पे आ गया है। अजना चक्र की हर कोने से सारी टॉक्सिक एनर्जीज को रिमूव कर रहा है। नाउ दिस क्यूब हैज़ रीच्ड योर थर्ड आई चक्रा एंड इट इज़ क्लियरिंग ऑल द नेगेटिव एनर्जीज फ्रॉम योर थर्ड आई चक्रा। एंड दिस क्यूब इज स्पिनिंग डाउन टू योर थ्रोट चक्रा। इट्स क्लियरिंग ऑल द नेगेटिव एनर्जीज, ऑल द ब्लॉकेजेस फ्रॉम योर थ्रोट चक्रा। अब ये क्यूब आपके विशुद्धा चक्र में प्रवेश कर गया है और घूमते घूमते आपके विशुद्धा चक्र को भी साफ कर रहा है। करते करते ये आपके अनहता चक्र में आ गया है और घूमते घूमते आपके अनहता चक्र को भी पूरी तरह साफ कर रहा है। नाउ दिस क्यूब इज स्पिनिंग इन योर हार्ट चक्रा एंड इट इज क्लियरिंग ऑल द ब्लॉकेजेस फ्रॉम योर हार्ट चक्रा। अब ये क्यूब घूमते घूमते हमारे मणिपुर चक्र में प्रवेश कर रहा है। नाउ दिस क्यूब इज एंटरिंग आर सोलर प्लेक्सस चक्रा एंड इट इज रिमूविंग ऑल द ब्लॉकेजेस, ऑल द नेगेटिव एनर्जीज फ्रॉम आर सोलर प्लेक्सस चक्रा। अब ये हमारे मणिपुर चक्र से सारी नेगेटिव एनर्जीज और सारे ब्लॉकेजेस को हटा रहा है। अब ये क्यूब हमारे स्वादिष्ठान चक्र में प्रवेश कर रहा है और घूमते घूमते पूरा स्वादिष्ठान चक्र ये साफ कर रहा है। नाउ द स्पिनिंग क्यूब इज एंटरिंग आवर सेक्रल चक्रा एंड इट इज क्लियरिंग ऑल द ब्लॉकेजेस फ्रॉम आवर सेक्रल चक्रा। एंड स्पिनिंग इट इज मूविंग टूवर्ड्स आवर रूट चक्रा। अब ये धीरे धीरे हमारे मूलाधार चक्र में प्रवेश कर रहा है जहाँ ये हमारे मूलाधार चक्र के सारे ब्लॉकेजेस को खोल रहा है। इट इज़ रिमूविंग ऑल द ब्लॉकेजेस फ्रॉम आवर रूट चक्रा। नाउ आर्कएंजल मेटाट्रॉन्स क्यूब हैज़ रिमूव्ड ऑल द ब्लॉकेजेस फ्रॉम ऑल आवर चक्रास। आर्कएंजल मेटाट्रॉन के क्यूब ने आपके सारे चक्रों को साफ कर दिया है। नाउ वी रिक्वेस्ट आर्कएंजल मेटाट्रॉन टू अलाउ अस एक्सपीरियंस द लाइट ऑफ डिवाइन क्रिएशन एंड हेल्प अस टू एंकर दिस लाइट इनटू फिजिकल रियलिटी सो दैट इट मे ट्रांसफॉर्म दिस वर्ल्ड एंड इल्यूमिनेट आवर पाथ एंड शो अस द वे।
अब हम आर्कएंजल मेटाट्रॉन को कहते हैं कि ये जो रोशनी है ये हमारी ज़िंदगी को बदलने में सार्थक हो, और ये रोशनी हमारी असल ज़िंदगी को भी रोशन करे जिससे कि हमारा सही मार्गदर्शन हो पाए। इसी के साथ हम आर्कएंजल मेटाट्रॉन को थैंक यू कहते हैं। थैंक यू आर्कएंजल मेटाट्रॉन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नाउ वी थैंक आर्कएंजल मेटाट्रॉन, थैंक यू आर्कएंजल मेटाट्रॉन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नाउ वी थैंक आर्कएंजल माइकल ऑल्सो, थैंक यू आर्कएंजल माइकल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब हम आर्कएंजल माइकल को भी आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद आर्कएंजल माइकल, धन्यवाद, धन्यवाद। अब इन दोनों आर्कएंजल्स ने आपका मार्गदर्शन किया, आपको सुरक्षा प्रदान की। दीज आर्कएंजल्स हैव शोन यू द लाइट, दे हैव शोन यू द पाथ, दे हैव प्रोटेक्टेड यू एंड शील्डेड यू। सो प्लीज़ डू थैंक देम, पे ग्रैटिट्यूड टू द यूनिवर्स। इस पूरे धरती का, इस ब्रह्मांड का हम शुक्रिया अदा करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं, हम सुरक्षित हैं। नाउ स्लोली एंड ग्रेजुअली व्हेन यू फील दैट यू आर फाइन यू कैन ओपन योर आईज। अब धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। अपनी नज़र आप चारों ओर दौड़ाएं और अपने दोनों हाथों को मलकर अपनी आँखों पर रखें। नाउ रब बोथ योर पाम्स एंड कीप देम ऑन योर आईज। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू कॉस्मोस, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दिस वॉज अ वेरी शॉर्ट मेडिटेशन जो बेसिकली हम करते हैं इनिशियल स्टेजेस में, कि बिफोर वी स्टार्ट डूइंग एनी चक्र वर्क और एनी एनर्जी वर्क बेसिकली, उससे पहले इट इज इम्पॉर्टेंट टू क्लेंस द चक्रास। दूसरा स्टेप होता है ग्राउंडिंग और प्रोटेक्शन का। ये दो स्टेप्स मैंडेटरी है किसी भी एनर्जी वर्क के लिए। एंड जैसे अभी आपने मेडिटेट किया है, जो भी हम मेडिटेटिव एक्टिविटीज करेंगे उसके बाद, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर, बिकॉज इन मेडिटेशंस के थ्रू आप बहुत सारी एनर्जीज लेते हैं। सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू चैनलाइज दैट एनर्जी। तो पानी बहुत पिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, क्योंकि जो हम बोलते हैं कि आर्कएंजल माइकल सारी नेगेटिविटी को रिलीज करेंगे, तो हमारी बॉडी के अंदर के जो टॉक्सिन्स होते हैं वो पानी पीने से फिर रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। दैट इज हाउ द बॉडी मैकेनिज्म वर्क्स, राइट? एंड एनीबडी एल्स वुड लाइक टू शेयर एनीथिंग रिगार्डिंग दिस, or else we can proceed. मैडम ये जो मेडिटेशन में हम लोग जाएंगे उसके बाद ही धीरे धीरे माने कोर्स जब आगे बढ़ेगा वो मालूम चलेगा ना, क्या लिखना है क्या, वो अपने आप ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए उसमें क्या रहेगा कि आपको जो लिखना है ये तो खैर कोई भी नहीं बताता, क्योंकि ये दिस इज टोटली एनर्जी गाइडेड। थैंक यू शैलजा जी। ये टोटली एनर्जी वर्क होता है और ऑटोमेटिकली आप जिस एनर्जी से कनेक्ट करते हैं वही आपको ले जाते हैं आगे। बाकी ये है कि आपके काफी चीजें सॉल्व हो जाती है और पोस्ट मेडिटेशन थोड़ा सा आप हल्का महसूस करते हैं, आप अच्छा महसूस करते हैं। सो दैट इज वन थिंग। एंड देन यू स्टार्ट गेटिंग स्लीप रेगुलरली। और मैडम ये तो जो हम लोग एंजल रेकी में भी यूज करते वही एंजल? हाँ जी,
एंजल इन्वोकेशन सेम है, आप कोई भी एनर्जी वर्क करते हैं, आप रेकी करते हैं, आप टैरो करते हैं, तो वो इन्वोकेशन सेम है, एंजल्स उसी तरीके से काम करते हैं। बस ये है कि हम उनकी एनर्जीज को हार्नेस करते, हर किसी की अपनी भाषा होती है बोलने की, वही फर्क आता है। राइट ज्योति जी, थैंक यू मैडम, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। हेलो मैम, हेलो। मुझे बहुत अच्छा लगा ये एनर्जी वर्क कभी करके। इसमें मुझे जो फील हुआ, जैसे ही अजना चक्र पे मेडिटेशन किया सेंसेशन महसूस हुआ, और जब हार्ट चक्र पे था तो मुझे राइट लंग के पीछे कुछ भारीपन और कुछ सेंसेशन सा जैसे फील हो रहा था। और मुझे ये जानना था कि एनर्जी वर्क जो हम ये करते हैं, ऐसे हमारे कौन कौन से फील्ड्स हैं जिसमें हम ये काम करते हैं, एनर्जी वर्क जिसकी हम बात कर रहे हैं। देखिए, एनर्जी वर्क कैन बी एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी जो आप दूसरों को देते हैं या जो आप अपने लिए यूज करते हैं। इनफैक्ट हम लोग घर में खाना बनाते हैं जब अपनी फैमिली के लिए, दैट इज ऑल्सो वी पुट आ एनर्जी, क्योंकि हम जिस मन से खाना बनाते हैं हमारा परिवार वैसा ही होता है। सो देयर ऑल्सो वी आर यूजिंग आर एनर्जी। बस ये है कि ये हमें बताया नहीं जाता, राइट? ओके, तो आज के टाइम में मतलब किस किस तरह के एनर्जी वर्क्स इन ट्रेंड है, जैसे रेकी है और रेकी अभी है, एंजल टैरो है। है, रून्स है, देन यू हैव जितनी भी हीलिंग मोडालिटीज हैं सब में आपकी एंजेलिक एनर्जीज वर्क करती हैं, अलग अलग हीलिंग मोडालिटीज में। ओके, और एक एक चीज बताएं। मुझे जानना थी, जैसे कुछ इनक्योरेबल डिजीज हम जिसमें जैसे कैंसर या इस तरह की चीजों को सुनते हैं, क्या वो भी इन एंजेलिक चीजों से ठीक होती है या क्या है? देखिए, इट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी। मोर ओवर इसमें रेगुलर अगर आप दें तो दीज थिंग्स कैन बी हील्ड अप टू अ लार्ज एक्सटेंट। इट ऑल्सो वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। लाइक कुछ टाइम पहले मेरे पास एक केस आया था, दैट चाइल्ड वॉज हार्डली 10 years ओल्ड एंड ही वॉज अंडरगोइंग अ ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर। तो कंसिस्टेंट हीलिंग के बाद उसका, जब लास्ट डॉक्टर्स ने बोला था कि उन्हें शायद ये करना पड़ेगा, कुछ उन्होंने मेजर ट्रांसप्लांट, बोन मैरो का बोन मैरो उन्होंने ट्रांसप्लांट बोला होता है। था, तो बोन मैरो का उन्होंने बोला था, एंड द मदर वाज वेरी मच अफ्रेड कि बोन मैरो इतना छोटा बच्चा है। तो तब जब मैंने उनकी एनर्जीज चेक की थी तो मैंने कहा था बोन मैरो नहीं होगा और ये सर्वाइव करेगा, एंड थैंकफुली बाय गॉड्स ग्रेस ही इज सेफ नाउ विदाउट एनी बोन मैरो। उसका मेडिसिन वगैरह चल रहा है और रेगुलर चेकअप्स होते हैं उसके, तो ये आप चीजें काम इसमें ऑरा करती है। स्कैनिंग वगैरह भी बताने वाले हैं क्या? ऑरा स्कैनिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। हाँ, ये है आप अपने खुद की एनर्जीज को कैसे क्लेंस और प्रोटेक्ट कर सकते हैं, दिस विल बी अ पार्ट ऑफ इट। दिस इज वेरी स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड फॉर ऑटोमेटिक राइटिंग। एक्चुअली मेरे को अपना खुद का ऑरा स्कैनिंग करना था, क्योंकि मुझे भी कैंसर का प्रिडिक्शन दिया गया था, तो आई जस्ट वांट टू चेक कि मतलब कुछ ऐसा है या सिर्फ एक डाउट की ही बात है, तो मुझे सिर्फ ये चेक करना था। नहीं, वो तो देखिए, अभी जैसे हम जैसे जैसे स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे तो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई फॉर योरसेल्फ, ओके ओके राइट? ओके फाइन, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। प्रदीप जी, I'm sorry that first 15 minutes I was absent due to some other reason, I mean unavoidable circumstances. So, ma'am, in background, I felt I'm a usual Reiki grandmaster and Mahaguru to Durga Reiki invented in India by Dr. Manish Sharma. And I felt this, I was habitually. I mean, acquainted with the energies, divine energies of angels, Archangel, Michael, and Metatron, and other guardian angels. But here, I felt any flowing inside my chakras, starting from crown to
root. And really, I'm delighted to have her, sessions during this period. Thank you, ma'am. I want to just offer my gratitude, lots of gratitude to you for this. Thank session. You, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Thanks. Deepshi ji. Anji, ma'am. Good evening. Good evening. मैम मुझे ये पूछना है कि जैसे हम चक्रा मेडिटेशन करते हैं तो हम रूट चक्रा से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चक्रा क्योंकि दैट इज आवर बेस अग्री राइट। तो अगर आपने सेवन चक्रा से स्टार्ट किया है तो उसका कोई सिग्निफिकेंस है या कुछ स्पेशल यू नो कुछ। सी इट इज देखिए जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि खुर्शीद जी के केस में भी यही था कि हमें अपनी वाइब्रेशंस को थोड़ा सा रेज करना है. उसके लिए हम ओके अलग अलग एक्सरसाइजेस करेंगे वेर इन वील बी प्रैक्टिसिंग होपोनोपोनो ऑल्सो टू रिलीज आर सेल्फ. आपको कॉर्ड कटिंग भी करनी होगी कि आप जो आपके साथ एनर्जीज जुड़ जाती हैं अगर आप सेंसिटिव है तो अटैच हो जाती हैं तो आपको कॉर्ड कटिंग टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करनी होती है कि आप अपनी इंडिविजुअलिटी को बिल्ड कर सके वैसे राइट. सो दीज आर सर्टन रूटीन्स दैट वी नीड टू फॉलो अगर हम ऑटोमेटिक राइटिंग कर रहे हैं और अगर हम जेन्युइन वे में अपने आंसर्स ढूंढ रहे हैं तो ऐसे हम स्टेप बाय स्टेप जब मेडिटेशन करते जाते हैं हमारी वाइब्रेशन उतनी ही रेज होती चली जाती है. और इसका आपको डिफरेंस पता है कैसे नजर आएगा. देखिए देर आर टू थिंग्स. पीपल अराउंड यू यू माइट फाइंड देम अपीजिंग यू माइट फाइंड देम अनोइंग. आप उनकी एनर्जी को चेंज नहीं कर सकते लेकिन अगर आपकी एनर्जी चेंज होती है तो आपके आसपास सब चेंज हो जाता है. तो व्हाट वी विल डू इज वी विल फर्स्ट फोकस ऑन आर एनर्जी. वी विल मेक अ ट्रांसफॉर्मेशन इन आर एनर्जी के आसपास ऑटोमेटिकली सब कुछ अलाइन हो जाए. नहीं मैं ये पूछना चाह रही थी कि जब हम रूट चक्रा से मतलब फर्स्ट चक्रा हमारा रूट होता है हम फर्स्ट टू सेवन जाते हैं यूजुअली हम जब रूट मतलब चक्रा की क्लेंजिंग करते हैं तो आपने जैसे 7 to 1 स्टार्ट किया ठीक है तो उसका कोई सिग्निफिकेंस है क्या या फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ इतना नहीं पूछना चाह रही देखिए इसका सिर्फ एक सिग्निफिकेंस है कि अभी जो मेरा एम था दैट वाज ओनली क्लियरिंग द ब्लॉकेज और वो टॉक्सिन्स आपके ग्राउंड हो जाए. सिर्फ अच्छा इतना था मेरे को. अदरवाइज जो हम करते हैं दैट इज ट्रू हम क्लेंजिंग रूट चक्रा से क्राउन चक्रा तक करते हैं राइट. और इसमें देर इज अ थिंग जब भी आप क्लेंजिंग करते हैं उससे पहले भी आप खुद को ग्राउंड करते हैं. अभी हमने ग्राउंड ग्राउंड नहीं किया था तो अभी हमने क्या किया हमने अपने सारे टॉक्सिन्स नीचे ही जाने दिए अच्छा ओके फाइन राइट. ओके मैम थैंक यू। ओके डॉक्टर चेतन जी. यस थैंक यू वेरी मच फॉर द फैंटास्टिक मेडिटेशन। थैंक यू सर। मैं हिंदू देव देवियों के बारे में तो बहुत कुछ सुना है और वो हम ध्यान में भी उसका एनर्जी फीड करते हैं पर पहली बार मैंने ये एंजल्स के बारे में सुना और पहली बार ये मैंने इनवाइट किया तो मेरे को वाकई में लगा कि हर एक चक्र में थोड़ा थोड़ा वाइब्रेशन आ रहा था वो मैं उसको फील कर सका तो उसके लिए बहुत ही धन्यवाद। एक बहुत सारे क्वेश्चन है पर आई थिंक धीरे धीरे मैं पूछूंगा। तो अभी मैं एक चीज ये पूछना चाहूंगा कि जो हम ऑटो राइटिंग में जिसको हम बुलाते हैं जिसके साथ हम चैलेंज करते हैं वैसे तो ये सभी श्रद्धा की बात है तो हम मान लेते हैं कि ये आए हैं तो कैन वी रियली चेक कि जो हम बुलाते हैं वो ही आते हैं कि कौन आते। देखिए अगर आप अपने फेथ पे डाउट करेंगे तो वहां पे चीजें फिर दूसरे डायरेक्शन में जाती है इनफैक्ट अच्छा बिगड़ने लगती है. अभी होता क्या है कि जब भी हम सेक्रेट स्पेस में जाते हैं या जब हम सेक्रेट स्पेस बनाते हैं ना तो हम सरेंडर भाव से बनाते हैं. सरेंडर भाव मतलब कि हमने यूनिवर्स पे छोड़ दिया. वी आर गोइंग एज अ यू कैन से इन्फेंट की तरह हम जा रहे हैं कि हमें कुछ नहीं पता है हमें कुछ पहले से नहीं पता कुछ भी प्री स्क्रिप्टेड नहीं है हमने कोई आकार नहीं दिया क्योंकि देखिए हम जिस तरीके से हम कंडीशन किए जाते हैं ना उस तरीके से ये कहा जाता है कि ये पर्टिकुलर आकार है हमारे देवी देवताओं का
और हम उस आकार में इतना बिलीव करने लगते हैं कि हम उसे ढूंढते उस आकार के ही फॉर्म में हैं। जबकि होता क्या है कि जो हमारे आसपास की लाइफ सिचुएशंस होती हैं उसमें कई बार आपने भी नोटिस किया होगा या एक्सपीरियंस किया होगा कि आप बहुत जरूरत में हैं या बहुत कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं और अचानक से हेल्प आ जाती है। अचानक से आपको लगता है कुछ बहुत ही सेवियर सा हो गया। तो ये क्या है, ये आपकी आस्था के रिस्पॉन्स में डिवाइन सोर्स ने रिएक्ट किया। उनका आकार हर वो मनुष्य के फॉर्म में भी है, हर जीव के फॉर्म में भी है जो अर्थ पे एग्जिस्ट करता है, तो हम उन्हें एक ही रूप में कैसे कन्फाइन कर दें? वो तो हर जगह हर कण में बसते हैं, उनका कोई एक आकार थोड़ी ना है, उनके तो बहुत सारे रूप और बहुत सारे आकार है। तो इसलिए जब हम जाते हैं ना, हम पहले से सोच के नहीं जाते कि वो ऐसे ही दिखेंगे, क्योंकि उसमें फिर क्या कर रहे हैं, हम अपने कंडीशंस लगा रहे हैं। तो हम कंडीशन नहीं लगाएंगे, और वहां पे जब हम जाते हैं तो आप खुद हैरान हो जाएंगे जब आप देखते हैं कि आप को ये नहीं पता होता कि डिवाइन सोर्स किस फॉर्म में आ रहे हैं या कौन आ रहा है, और आप विजुअलाइज करते हैं और आप देखते हैं कि आपके सामने एक एनर्जी सोर्स खड़े हैं। अब कई बारी वो किसी भी फॉर्म में हो जाते हैं, मतलब ऐसे कई मेरे सेशंस में हुआ है कि लोगों का बिलीफ सिस्टम उन्हें जो बचपन से वो पूजा करते आए वो किसी और की करते आए, और अचानक से वो किसी और इष्ट देव से जुड़ गए। तो इसलिए हम पहले से ना बैरियर्स नहीं क्रिएट करते, हम उसे बस अपने मन को फॉलो करते हैं, अपने अंतरात्मा को फॉलो करते हैं, वही हमें गाइड करके वहां ले जाती है। फिर उसके बाद जब हम अपनी सेक्रेट स्पेस क्रिएट करते हैं ना, तो स्पेस क्रिएट करने के बाद हम अपने एंजल्स या अपने स्पिरिट गाइड्स को बुलाते हैं। अब ये स्पिरिट गाइड्स कौन होते हैं? ये हो सकते हैं ऐसे लोग जिनको आप ह्यूमन इंकारनेशन में या इस जीवन में आप जानते थे, राइट? तो अब वो कोई भी हो सकता है, आपके कोई पुराने रिश्तेदार हो सकते हैं, या फिर कोई जीव जंतु हो सकता है, कोई पेट हो, आपके घर में कोई पेट हो जिनसे आपका बहुत अटैचमेंट हो, अचानक से आप देखेंगे एज अ गाइड आपके वो पेट आ गए। तो इसलिए हम कोई भी आकार रिस्ट्रिक्शन नहीं रखते, कोई नाम का रिस्ट्रिक्शन नहीं रखते। आपके कई बारी क्या होता है, कई जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके मन में होता है कि बहुत ज्यादा अटैच थे दादी से तो दादी आएंगी। अब वो उस केस में क्या होता है, दे गेट डिसअपॉइंटमेंट क्योंकि दादी नहीं आती, कोई और आ जाता है एज अ गाइड। तो वो कहाँ सोल आपकी अलाइंड है वो आप कई बार नहीं समझ पाते हो, तो इट इज बेटर टू गो विद द फ्लो। गुड, तो सरेंडर करना है और पूरी श्रद्धा रखनी हाँ जी, है। थैंक यू। गार्गी जी नमस्ते मैम। नमस्ते। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आप ग्राउंडिंग की बात कर रहे थे, आज आपने मेडिटेशन कर रहे हैं, तो उसमें मैं कुशन के ऊपर बैठी हूँ और उसके नीचे प्लास्टिक की शीट है, तो हाँ जी ग्राउंडिंग का मतलब क्या सारी जो टॉक्सिन्स हैं वो इस कुशन में आ गए जिसमें मैं बैठी हूँ कुशन के ऊपर? नहीं, देखिए ग्राउंडिंग का मतलब क्या होता है, ग्राउंडिंग होता है जैसे हमारे घर में वो होते हैं ना बिजली के तारे जब हम लगवाते इलेक्ट्रिक। हैं, तो हाँ उसमें जी, हम हाँ अर्थिंग करवाते हैं। हाँ जी, अर्थिंग करवाते हैं ना, अर्थिंग क्या करता है कि एक्सेसिव फ्लो को वो कंट्रोल कर लेता है। ऐसे ही जब बहुत ज्यादा एनर्जी फ्लो होता है हमारी बॉडी से, तो ये जब नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है तो इसमें फिजिकल चीजें मैटर नहीं करती। ग्राउंडिंग बेसिकली क्या है कि वो एनर्जी हम नीचे को सरेंडर कर रहे हैं, मदर अर्थ को हम सरेंडर करते रहे। मैम वो बोलते हैं ग्रास पे घास पे चलो अगर सर भारी है, या ट्री वो हाँ, को हग कई लोग करो। बोलते हैं, देखिए घास पे चलने के थेरेपेटिक रीजंस भी होते हैं, क्योंकि जो ग्रास के ब्लेड्स होते हैं ना वो हमारे तलवों पे जब लगते हैं तो हमारे पैरों से कई एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जो होते हैं वो ट्रिगर हो जाते हैं, तो इसलिए वो एक रिलैक्सेशन थेरेपी भी होती है। तभी कई लोग बोलते हैं कि घास पे नंगे पैर चलने के लिए, और तो बाकी अगर मैं कई लोग, बैठ हाँ जी हाँ जी
बस यही पूछ रही थी कि अगर कोई बेड पे बैठता है या कुशन पे बैठता है या नीचे प्लास्टिक शीट बिछी हुई है, सो इट डजेंट मैटर, या मुझे कुशन धोना चाहिए रेगुलरली? नहीं, इट डजेंट मैटर। देखिए क्या होता है, जब हम ऐसे मेडिटेशंस करते हैं तो जनरली जब ग्राउंडिंग का अब नेक्स्ट जब करेंगे तो उसमें क्या होगा, मैं आपसे खुद ही कहूंगी कि आपके तलवे जमीन को टच करें। जमीन इन द सेंस, अगर जमीन पे कारपेट बिछा है देन आल्सो इट्स ओके, इट इज प्लास्टिक नॉट शीट नहीं नेस। होनी चाहिए, हाँ दैट इज ओके, हाँ प्लास्टिक शीट इज ओके। दैट्स ओके, राइट। कुशन धोने की जरूरत नहीं है, नहीं 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 टॉक्स रूप में प्लीज, चले गए। ऐसा कुछ भी नहीं होता। टॉक्सिन्स आपकी बॉडी के रिलीज, मैंने आपको खुद बताया, जब आप पानी पीते जाएंगे तो आपकी बॉडी का एक, हर बॉडी का एक सिस्टम होता है टू रिलीज द टॉक्सिन्स। वो कई बारी रिलीज करती है, जैसे कईयों को हल्का फुल्का बॉडी एक हो जाता है, किसी के सिर में दर्द हो जाता है, किसी को यूरिनेशन बढ़ जाता है, किसी को मोशन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, तो हर किसी का अलग सिस्टम है रिएक्ट करने का, राइट। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू स्वाति जी, आपका क्वेश्चन। मैम, मैं ये जानना चाहती थी कि जैसे हाँ आपने जी कहा कि इस वक्त हम जब किसी से चैनलाइज करते हैं तो हम जिसको बुलाते हैं या जो हमारा क्लाइंट या जो हमारे पास आया है वो जिसको कहता है बुलाने के लिए हम उनको बुलाते हैं, पर उनके साथ और एनर्जीज भी आ जाती हैं। तो इसीलिए तो हम सेक्रेट स्पेस क्रिएट करते हैं ना डियर। तो जब हम कहीं भी, जैसे मान लीजिए हमने उनको खत्म, फिनिश हो गया हमारा सेशन, तो हम कहीं भी आते जाते हैं तो क्या हमें रोड पे या कहीं पे भी हमें ये चीजें अपने अंदर दिखनी स्टार्ट हो जाती हैं? क्योंकि कई नहीं बार सामने से भी हमारे को ऑफर आती हैं कि हमारे को बुलाओ, जस्ट लाइक दैट। देखिए, वो तब आती है व्हेन दे कम टू नो दैट यू आर एक्टिवेटेड एज अ चैनल। मैं आपको चैनलाइजिंग के लिए नहीं बोल रही हूँ, एंड दिस इज नॉट मीडियमशिप ऑल्सो, राइट? तो वो चीज नहीं है ये, दिस इज एंटायरली अ डिफरेंट कम्युनिकेशन वेर इन वील बी डीलिंग विथ एंजल्स एंड हायर रिलाम एंटिटीज। तो इसमें हमें अपने आप को कोई प्रोटेक्शन भी रखनी पड़ती है? प्रोटेक्शन, देखिए जनरल प्रोटेक्शन हम हमेशा लेके चलते हैं, ग्राउंडिंग और शील्डिंग हम हमेशा लेके चलते हैं। द रीजन व्हाई आई प्रैक्टिस ऑटोमेटिक राइटिंग ओनली आफ्टर एंटरिंग द सेक्रेट स्पेसेस कि वहां पे आप डिवाइन सोर्स के पास है, आपके आर्कएंजल्स और आपके गाइड्स खड़े हैं, वहां पे आप खुद सुरक्षित है। क्योंकि एक चीज हमेशा याद रखिए कि यहाँ पे सबकी फैमिलीज है, तो किसी की फैमिली लाइफ डिस्टर्ब करने का देयर इज नो पॉइंट। ओके। और मैम, जैसे आप ये काम करते हैं तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी का सेशन लिया हो और बीच में ही कट ऑफ हो गया हो? देखिए ये होता है जब एनर्जीज बहुत ज्यादा होती है। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। इससे पहले जो ऑटोमेटिक राइटिंग की हमने जर्नी शुरू की थी, ड्यू टू सम रीजन और दी अदर, वो क्या रहा था, हमारे सेशंस ही नहीं हो पा रहे थे। इट गॉट डिलेड बाय अप्रोक्सीमेटली 10 और 15 डेज। क्योंकि क्या होता था, कई बारी कनेक्शन नहीं बैठ रहा है, कई बारी कुछ, बिकॉज ये सब चीजें क्या है, इन पे हावी होती है सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स पे, वेन एवर द एनर्जीज आर हाई। एक्चुअली उस बैच में 2-3 लोग ऐसे थे जिनकी एनर्जीज बहुत हेवी थी, सो वी हैड टू अंडरगो अ क्लेंजिंग सेशन फर्स्ट कि उनकी एनर्जीज क्लेंज करी थी, जिससे कि हम क्लासेस को स्मूथली फंक्शन कर सके। ओके मैम, राइट प्रवीण जी, ओके रानू जी, आप तब तक पूछ लीजिए। हाँ गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। अब मैम, मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे अगर अपन कोई एनर्जी इन्वोक करते हैं तो उस टाइम पे, क्योंकि हम एक स्पेस पे उस चीज को मेडिटेट करके इन्वोक करते हैं, तो क्या वो फैमिली पे भी असर करता है? नहीं, यही चीज तो आपको बता रही हूं कि हम सेक्रेट स्पेस में जाते हैं और जो भी मेडिटेशंस आपके रहेंगे उसमें ये गाइडेंस होती है कि आप उस स्पेस पे जाते हैं
राइट, और उस स्पेस में जाके आप हायर एनर्जीज के बीच खुद पे फिर आप सरेंडर करते हैं एंड यू स्टार्ट राइटिंग। और उसके बाद पहले आप रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके एंजल्स जाएं, आपके डिवाइन वहीं पे स्थापित हैं, आप उनको नमन करके फिर आप उस सेक्रेट स्पेस से बाहर आते हैं, फिर आप अपने घर में एंटर करते हैं। सो दैट डजंट अफेक्ट योर फैमिली, ओके और मैम, इसमें वैसे भी वी आर नॉट कॉलिंग एनी एंटिटीज। ओके मैम, थैंक यू। हाँ जी प्रवीण जी। जी सॉरी मैडम, थोड़ा अनम्यूट नहीं हो पा रहा था, वो इंस्टॉल नहीं हो रहा था। जी नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण है। मैडम हाँ जी, मेरा, मैंने ये सब योगा और ये बहुत काफी स्टडी किया, तो अलग अलग मॉडलिटी, लेकिन मेरे से मेडिटेशन में ज्यादा टाइम बैठा नहीं जाता। तो मैंने ये भी देखा था, एक हमारे, मैंने रैकी के जो पॉइंट सीखे थे 2013 में, कि नहीं कर पाया प्रैक्टिस, तो एक हठ योगी है प्रदीप योगी करके, मैं सूरत से हूँ। तो हाँ जी, उन्होंने वो जो कार्लियन फोटोग्राफी भी उनके पास था हाँ, एक, ये तो किया था, तो मेरे चक्र मैक्सिमम इम्बैलेंस आए थे। वो तो वेरी भी होते हैं, वेरिएबल होते हैं, हाँ, लेकिन जो कुछ इसमें स्टेबलाइज होता है वो बहुत, ब्लॉकेजेस इज मोर, ब्लॉकेजेस आर मोर, मोर ब्लॉकेजेस इन माय मैक्सिमम चक्रस, आई थिंक इन मूलाधार चक्र, मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान आपका चक्र, हार्ट चक्र मैक्सिमम। अभी ब्लॉक्ड है। अच्छा, और कौन से मैक्सिमम ब्लॉक है मैडम? मैक्सिमम ब्लॉक्ड है, और ये जो आज हमने किया है मेडिटेशन, ये आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा। अच्छा सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इसको प्रैक्टिस करें, एंड देन आई विल टेल यू सम अदर टेक्निक्स ऑल्सो वेयर बाय यू कैन क्लेंस योर चक्रास एंड यू कैन बैलेंस देम। तो उसे हाँ, फॉलो करेंगे, यू विल बी एबल टू ओवरकम। इसकी वजह से मेरा कोई भी काम नहीं हो रहा है मैडम। सभी सब कुछ आता है, सब कुछ मैंने थियोरिटिकल किया है, लेकिन प्रैक्टिकल सब फेल होता है मेरा। वो इसीलिए ना, क्योंकि चक्रास अलाइन नहीं है। चक्रास अलाइन्ड हो जाएंगे तो आप कर पाएंगे। तो ही कर पाएंगे। और मणिपुर हाँ, चक्र भी ये है मैडम, कह रहा है स्वादिष्ठान चक्र, और वो ये भी है विशुद्ध सर। चक्र, विशुद्धि चक्र, मैंने एस्ट्रोलॉजी थोड़ा बहुत स्टडी किया, तो विशुद्ध चक्र शनि का आता है, तो शनि तो खराब है मेरा प्लेस में, तो विशुद्ध चक्र भी मे भी खराब होगा। ये कनेक्शन हो सकता है मे भी, जब तक मेरा लॉजिक है। और आज्ञा चक्र तो होने वाला है ब्लॉकेजेस, तो इतने ज्यादा ब्लॉकेजेस, इसलिए लाइफ में स्ट्रगल भी बहुत है, प्रॉब्लम भी बहुत है, और मैं इतना सारा करने के बाद भी निकल नहीं पा रहा हूँ, कहीं से भी कुछ स्टेबिलाइज नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए व्हाट आई विल डू इज के एक सेशन हम चक्रास का ले लेंगे, वेर इन आई विल ऑल्सो टेल यू सम हीलिंग फूड्स। कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ भी हैं जिनसे आप अपने चक्रास को हील कर पाएंगे। अच्छा, मुझे एक शुगर और हाई बीपी का भी प्रॉब्लम है, और स्टोन हाँ, बार बार होता है, 2 बार ऑपरेशन करवा चुका 6 साल 5 साल में। और अभी जैसे आप एस्ट्रोलॉजी भी प्रैक्टिस करते हैं तो नहीं, मैं महादशा, खाली हॉबी के लिए करता हूँ, मैं कुछ प्रोफेशनली नहीं करता कुछ हाँ, भी। तो आपके खुद में आपने देखा होगा महादशा कौन सी चल रही है। अभी गुरु की महादशा शायद खत्म हुई है 16 साल, अभी जस्ट मे बी है, खत्म होने में है, तो नहीं अभी पता मुझे, शनि सोलह देव साल की की थी है। हाँ, अभी अभी। उसके बाद कन्या शनि देव की आ जाती है ना, तो आपके लिए कन्या बहुत राशि है मेरी, अच्छा कल्याण होगा, में है, आप वृद्ध लोगों की सेवा जितनी कर सके। मेरे पापा 84 ईयर्स के, उसकी भी सेवा करा, उसके लिए मुझे नौकरी भी छोड़नी पड़ी है उसकी वजह से, वो तो तो थोड़ा पैरालिटिक कार्मिक है। है, हाँ वो कार्मिक है, उसमें आपने हाँ धर्म नहीं किया, आपने कर्म किया, हाँ धर्म भी हाँ करना होगा ना। अच्छा, इसकी वजह से मैं घर से बाहर ज्यादा निकल नहीं पाता हूँ, एक स्टक हो गया हूँ, और इकोनॉमिक भी एक्टिविटी सब अटक गई है इसकी वजह से। तो मूलाधार चक्र उसमें तो पहले से प्रॉब्लमेटिक है, शनि तो गया हुआ बहुत खराब पोजीशन में है एस्ट्रोलॉजी, राहु भी 5 नंबर है, 5 नंबर सब कुछ स्टॉप कर देता है, शनि मंगल 12th वो भी पूरा खत्म कर देता है सब कुछ, चलिए, कालिस्तान ही मेरा पावरफुल है। इस चीज को ही यूटिलाइज करेंगे, जो पावरफुल है उनको यूटिलाइज करेंगे, एंड देन व्हाट वी विल डू इज इन कोर्स ऑफ टाइम जैसे हम ये करेंगे प्रैक्टिस, तो आपको इन चीजों का हल भी मिल जाएगा जब आप डिवाइन सोर्सेस से पूछेंगे।
मैडम जब तक ये चक्र बैलेंस ब्लॉकेजेस नहीं होते तब तक मैं ये कोई मॉडलिटी कर नहीं सकता कि मैंने रैकी थोड़ा बहुत किया ये ऐसा किया। नहीं है, आप कर लेंगे लेकिन आप खुद से प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, हाँ क्योंकि नहीं वो प्रैक्टिस ही नहीं हो क्लेंजिंग पा रही मैडम, रिक्वायर्ड, बैठा ही नहीं जाता। हाँ वो क्लेंजिंग ही रिक्वायर्ड है, तो हो सकता है कि आपका एसी के दौरान आपको फर्क लगने लग जाए, क्योंकि इसमें हम इतने सेशंस हो जाएंगे कि आप खुद ही कहेंगे कि मैम ये तो बहुत मेडिटेशन है। मैंने योगा भी किया है, गुजरात योग बोर्ड का कोर्स भी बना हूँ, लेकिन वो एक्शन एग्जीक्यूशन कुछ भी नहीं होता। ठीक हो जाएगा वो भी। है, धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड, थैंक यू। धन्यवाद। कोर्स डिटेल विदाउट डिले आई वुड जस्ट लाइक टू शेयर इट टू यू। दिस विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 2nd of September, दैट इज कमिंग मंडे, और ये क्लासेस मंडे और वेंसडे को होंगी। टाइम यही रहेगा 4:30 बजे से। जूम पे रहेंगे ये सारे सेशंस, जहाँ पे आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस, प्रैक्टिकल केस स्टडीज, वो तो आप खैर खुद ही एक्सपीरियंस करेंगे, और एकेडमी मेंबरशिप और बेनिफिट मिलता है, यानी कि कुछ ऐसे कोर्सेज आते हैं तो उसमें जो मेंबर्स होते हैं उनके लिए प्रोविजंस होते हैं फॉर डिस्काउंट्स एंड फॉर सर्टेन बेनिफिट्स। ये कोर्स आप एक बारी रिपीट भी कर सकते हैं, यानी कि जब ये कोर्स दोबारा लॉन्च होगा तो विदाउट एनी फी यू कैन बी अ पार्ट ऑफ द कोर्स ऑफ द रेगुलर क्लासेस। इसके नोट्स आपको शेयर किए जाते हैं और सर्टिफिकेट ऑन कंप्लीशन इज शेयर्ड। नाउ हाउ टू एनरोल फॉर द कोर्स, यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट ऑफ दिस। इसमें जो फी है दैट इज 2,500, और पेटीएम नंबर और जो भी ये बैंक अकाउंट डिटेल्स है वो आपके दिए हुए हैं। मोर ओवर इट इज ऑल्सो मैंशनड कि आपको स्क्रीन शॉट किस पे शेयर करना है, सो आई वुड प्रेफर अगर आप इसका तो एक स्क्रीन शॉट अपने मोबाइल पे ही ले लें, सो दैट यू नो वेयर यू आर सपोज टू मेक द पेमेंट एंड हाउ मच यू आर सपोज टू मेक, बिकॉज देन वील बी बिगनिंग द जर्नी ऑन द कमिंग मंडे। थैंक यू शैलजा जी, यू ऑलरेडी एनरोल्ड। सो विद दिस फॉर टुडेज सेशन वी वुड लाइक टू कंक्लूड, बिकॉज इट्स, देखिए अगर आपको मेडिटेशन के दौरान कुछ भी नहीं फील होता, अगर आपको कुछ भी नहीं फील होता है मेडिटेशन के दौरान, यस इट इज कंप्लीट कोर्स, इसके कोई लेवल्स नहीं है। अगर आपको मेडिटेशन के दौरान कुछ भी नहीं फील होता है तो दैट इज ऑल्सो परफेक्टली नॉर्मल। जैसा मैंने बताया, हर किसी का बॉडी सिस्टम अलग अलग लेवल पे रिएक्ट करता है, तो कई बार थोड़ा सा टाइम लेता है। जो चीज मुझे जल्दी फील हो रही है जरूरी नहीं है आपको जल्दी हो, कोई चीजें आपको जल्दी फील हो सकती है, हो सकता है मुझे तब ना हो, सो दैट इज वॉट द सिचुएशन इज। तो इसको थोड़ा सा टाइम देना होता है कि वी नीड टू हैव फ्यू सेशंस, उसके बाद आप भी इसे प्रैक्टिस कर पाएंगे। रीता जी आपका डाउट है शायद। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मेरा ना यहाँ पे और ये पीछे साइड में इतना ज्यादा टाइटनेस और खिंचाव ऐसा फील होता है, मुझे कभी कभार लगता है कि मैं कहीं किसी नेगेटिव उसके साथ तो कनेक्ट नहीं हो गई, मुझे ऐसा फील होता है, नहीं ज्यादातर अग होता रहता है। देखिए अगर आपको ऐसा कुछ फील होता है, अ वेरी सिंपल थिंग टू डू इज कुछ दिनों के लिए सॉल्ट वाटर बाथ ले लीजिए। अपने नहाने के पानी में सेंधा नमक मिला के नहा लीजिए, तो उससे अगर कोई ऐसी एनर्जी भी है तो वो लेवल लोअर डाउन हो जाएगा एंड यू विल फील कंफर्टेबल। या जिस रूम में आप बैठते हैं आप कोशिश करें उधर पे, या जहां आपका मैक्सिमम टाइम निकलता है, एक ग्लास में पानी लें और उसमें सॉल्ट डाइल्यूट करके उस रूम में रख दें, और 24 आवर्स तक उस पानी को टच ना करें। आपको नेक्स्ट डे देखना है उसमें बबल्स कितने हो रहे हैं। अगर बहुत ज्यादा बबल्स हैं, यानी कि वो सराउंडिंग में नेगेटिव एनर्जी है, इट कैन बी ड्यू टू एनीथिंग,
हो सकता है कि बहुत ज्यादा नैगिंग, बहुत ज्यादा कंप्लेनिंग हो रही हो किसी की, या कोई आपके लिए कुछ नेगेटिव बोल रहा हो, तो उससे भी एनर्जीज अकोमोडेट हो जाती है. वी सिंपली नीड टू रिलीज इट, और सॉल्ट वाटर बहुत इफेक्टिव रेमेडी है टू रिलीज एनी काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जी. नॉर्मल सॉल्ट भी चलेगा मैम? यस, दैट विल ऑल्सो डू. एवरी टाइम, ज्यादातर टाइम होता रहता है यहाँ पे, यहाँ पे, और एकदम ज्यादा टाइटनेस और खिंचाव. आप जिस रूम में सोते हैं ना, वहां पे आप ट्राई कीजिए, आज रख लीजिए एंड चेक इट आउट टुमारो. एक तो आपको नींद अच्छी आएगी, यू विल हैव अ पीसफुल स्लीप एंड अ साउंड स्लीप, और दूसरी चीज, जब उसमें बबल्स कम आने लग जाएं तो स्टॉप डूइंग दिस. रखा तो है मैंने, कोई बबल्स तो नहीं देखा अभी तक. अगर बबल्स नहीं दिखा तो यू नीड टू हैव अ सॉल्ट वाटर बाथ, देन इट इज समथिंग इन योर ऑरा. सॉरी मैडम, मैडम एक बकेट में कितना वॉल्यूम डाले हम सॉल्ट वाटर, एक छोटी. देखिए, इट डिपेंड्स, आप इसमें एक स्पून डाल सकते हैं. वी जनरली यूज अ स्पून ऑफ सॉल्ट, जो टी स्पून वाली होती है वो यूज करते हैं हम एक बकेट में. और ज्यादा अगर आपको लगे, आप उसमें इंस्टेंट कॉफी पाउडर ऐड कर सकते हैं, दैट विल एक्चुअली हील योर सेंसेशन ऑल्सो. नमक के साथ से कॉफी पाउडर दोनों साथ में कि अलग अलग? साथ साथ में में. ओके ओके सिर्फ बॉडी में लगाना है ओके ना. आपको उस पानी से नहा लेना, आपको खुद लगेगा कि एज इफ बहुत सारी चीजें हील हो गई आपकी बॉडी की. नहीं, मेरा मतलब सिर्फ बॉडी में ही ना, बाल पे तो नहीं लगाना है ना, नहीं जाना बाल चाहिए ना सॉल्ट नहीं, और वो कॉफी. ऐसा नहीं है, सॉल्ट का कंटेंट कोई हम बहुत हाई नहीं रख रहे. वी जस्ट कीपिंग 1 टीस्पून इन 1 बकेट ऑफ वाटर, दैट वोंट हार्म. आप चाहे तो उसके बाद आप नॉर्मल पानी से यू कैन रिंस योर हेयर, बट इनिशियली एक बार ही होने दीजिए सो दैट एवरीथिंग गेट्स क्लियर. थैंक यू मैम, थैंक राइट, यू वेरी मच. सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग. हाँ जी ज्योति जी. मैम, मेरे चक्रास का बता सकते हैं, मेरे कौन कौन से चक्रास पे अभी ब्लॉकेजेस है, क्योंकि थोड़ा मेडिकल इश्यूज ज्यादा मेडिकल इशू है तो इस वक्त आपके भी. लग भी रहे हैं, काफी ज्यादा है, एंड आई गेस फॉर दैट मोर देन चक्रास यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ. लाइक व्हाट? क्योंकि यहाँ पे इमोशनल कंटेंट भी जो आपका दिख रहा है वो काफी हार्म्ड है. बहुत ज्यादा. एक ऐसी स्ट्रगल जहाँ पे आपने बहुत कुछ अकेले निकाला है, सो लॉट्स नीड टू बी रिक्वायर, लॉट्स इज रिक्वायर्ड टू बी हील. तो स्टार्ट कीजिए, अभी सॉल्ट वाटर बाथ से स्टार्ट कीजिए. आप ये जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, थोड़ा सा टाइम अपने आप को देना शुरू करो, एंड फिर उसके बाद आपको खुद ही को इम्प्रूवमेंट नजर आने लग जाएगा. और ये जो कॉफी पाउडर है, ये भी ऐड करना होगा? कॉफी पाउडर आप ऐड कर लीजिए. देखिए बहुत सिंपल सा तरीका बताऊं, वो जो 1-1, 2-2 रुपए वाले आते हैं ना इंस्टेंट कॉफी के पाउचेस, वो थोड़े से पाउचेस हैंडी रख लीजिए, यूज दैट फॉर सम टाइम. तो आई हैव थैंक कॉफी यू एट सो होम, मच. नॉट अ बिग इश्यू. तेल हाँ नमक ही यूज करते हैं, तो उसका भी कोई ऐसा इश्यू नहीं है, मुझे स्पेशली कुछ करना होगा? नहीं, अभी आप ये कीजिए, बिकॉज वील स्टार्ट बाय क्लेंजिंग दी ऑरा फर्स्ट, देन वील गो इन टू द इन डेप्थ. राइट, पहले हम ऑरा क्लेंज करते हैं. राइट, चलिए. थैंक यू. हाँ जी, मैम, इस सेंधा नमक को पिंक सॉल्ट एक ही चीज है? देखिए पिंक सॉल्ट के नाम पे आजकल बहुत सारे सॉल्ट आ रहे हैं. तेंदा नमक वो है जो फास्टिंग में हम यूज कर लेते हैं. मैम, पिंक सॉल्ट हमारे यहाँ, मैं यूएस से हूँ, तो हमारे यहाँ तो प्योर ओके मिलता हाँ, है, तो हमारे यहाँ सेंधा नमक इतनी इजीली नहीं मिलता है. हाँ, इंडिया में टाटा का एकदम अच्छा आता है, टाटा टाटा सो का पिंक कुरियर दैट यू कैन यूज देन. से मंगवा सकते हैं. आप थैंक यू. वो किसी तरह पिंक मैं सॉल्ट आपसे यूज बात कर कर सकती लीजिए हूँ फिर. क्या? हाँ जी, ठीक है.
इज देयर एनी वे आउट कि मैं आपसे बात कर सकूं आफ्टर क्लास समडे, जब आप थोड़ा टाइम हो आपके पास, 10 मिनट 15 मिनट, वी कैन तब डू बात इट कर सकते हैं? ऑन, वी कैन डू इट ऑन सम अदर डे. टुडे इट इज, यू ओके, नो इट नो इज इश्यूज नो इश्यूज. जन्माष्टमी, राइट? सो इवन आई नीड टू मेक सम प्रेपरेशंस एट होम फॉर द सेम. नो सो इश्यूज. आप एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि फर्स्ट हाफ इवन आई एम वर्किंग, सो आई एम नॉट अवेलेबल एट होम. उसके बाद व्हेन आई एम अवेलेबल, आप अपना नाम वगैरह मेंशन कर दीजिएगा, ओके, वेयर देन आई विल गेट बैक टू यू. टू ड्रॉप द मैसेज? व्हाट्सएप, ओके, एनी स्पेसिफिक नंबर और एनी ग्रुप और व्हाट? नहीं आप जैसे इसमें एनरोल्ड है ना, आप एडमिन टीम से मेरा नंबर हाँ ले लीजिए. इवन आई एम ठीक देयर है, इन द ग्रुप, यू कैन इवन लीव इट इन द ग्रुप, दैट विल ऑल्सो बी आंसर्ड, ओके ओके, आई डू. राइट? थैंक यू. मैम, कैन हाँ जी, आई आस्क वन क्वेश्चन? मेरा हाँ, कौन सा चक्र ज्यादा प्रॉब्लम या ब्लॉक है जो जिस पे मुझे ज्यादा काम करना है? अभी आपके लिए मैं चक्र पे नहीं जाऊंगी, क्योंकि द मोमेंट इट इज व्हेन आई एम गेटिंग इन टच विथ यू, वो क्या रहा है, दिस होल एरिया इज क्लिंक्ड, इट इज टू क्लिंक्ड. सो लेट्स फर्स्ट ओपन दिस अप एंड देन वील स्कैन द चक्रास, राइट? क्योंकि दो मेजर चक्रास आपके यही कवर हो जाएंगे, आपका क्राउन और थर्ड आई चक्रा. सो आई वुड लाइक के पहले इसको हम खोल दें, देन वी गो अहेड विद इट. मेडिटेशन के बाद? फर्स्ट स्टार्ट दैट सॉल्ट वाटर बाथ थिंग, आह आपकी ओके ऑरा ओके ही मुझे बता देगी ये चीज तो, राइट? थैंक यू. चलिए, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग. ग्रेटिट्यूड. थैंक यू मैडम. थैंक थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू मैडम. वेरी मच मैम. यू. थैंक थैंक यू मैम, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड. यू. थैंक यू. थैंक थैंक यू. यू मैम.